नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक आपका अध्याय खत्म कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं हम लोग अध्याय 2 के बारे में। इसमें हम लोग संविधान का निर्माण करके रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग सब मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। अच्छे से पढ़िए और धैर्य के साथ लगन के साथ आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छे से बने रहिए। परिचय, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। आपका संविधान। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संविधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान बनते कैसे हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? इन्हीं सब के जवाब ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे इस अध्याय में। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिणी अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया है, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखिए, नेल्सन मंडेला। मैंने गोरों की प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हैं। ये थे आपके नेल्सन मंडेला, या नेल्सन नेल्सन मंडेला का कथन, जिस पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रुपेन द्वीप में कैद रखा गया। समझ में आया? रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। देखिए, इन साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे। तो जंगली कुत्ते लाश को लोच लोच कर खा जाएंगे। तुमने चेतावनी दे दी गई है इन्हें, देख रहे हैं? ये हाल था पहले। इसमें आपके कौन कौन शामिल थे? देसी आसवेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले। चलते हैं रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में
विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हत्याया और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आदामी आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। उन्हें आश्वेत कहा जाता है। श्वेत और आश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी चमड़ी वाला कहा जाता था। भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। इसे आप लोग उसी तरह से ले सकते हैं जैसे आज मॉब लिंचिंग हो रही है। ठीक है, तो एक बड़ा तबका राज कर रहा है तो वो किसी को भी मार देते हैं इस तरह से भीड़ भाड़ में। और एक आपने देखा होगा, इतिहास पढ़ा है आपने, तो अंग्रेज आए थे तो भारत में क्या बोलते थे कि हम इन असभ्य लोगों का बोझ है हमारे ऊपर, हम इन्हें सभ्य बनाना चाहते हैं। तो मतलब भैया हम लोगों को तुच्छ समझते थे, अपने से बहुत छोटा समझते थे। आगे चलते हैं। रंगभेद की शासकीय नीति आश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथककरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोगों लोग गोरे गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे? आश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही आश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल आयोजित किए। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कई कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों आश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस देख रहे, इस पर लिखा है कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। अब समझ सकते हो आप लोग किस तरह। चलते हैं अब हम लोग एक नए संविधान की ओर। तो रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से आश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। 24 वर्ष तक जेल में कैद रखे गए बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराए और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया।
रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। याद रखिए, नेल्सन नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, ठीक है। यह सब कैसे हुआ? आइए, असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बल मनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई का पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही आश्वेत नेताओं ने आश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए उन्हें वे मूल भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता लोकतांत्रिक मूल्यों सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी और निसंग हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ एक साथ बैठे। आज का दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। आगे बात करते हैं। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो लेकिन अब हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका अभी के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे इस लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपनी रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस बार इतनी ही नहीं बर्बाद इतनी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई है? इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानता और असमानता बता सकते हैं। विभिन्न समुदाय के बीच संबंध, नेतृत्व गांधी मंडेला, संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और या आपके यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संघर्ष का तरीका, उपनिवेश का चरित्र।
अब चलते हैं, हमें देखते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों है आखिर, क्या है हमें आखिर संविधान की जरूरत क्यों है। किसी चीज की जरूरत होती है तभी तो बनाई जाती है, बिना जरूरत का क्या किया जाए। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों, और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक आश्रित इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। आश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए आश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहले पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और आगे वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में से तोड़ा ना जाए। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग ने आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हें बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं है, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, यह संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपको इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को संविधान की जरूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी देश में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख आपके हैं। पहला, या साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का के क्या अधिकार है।
चौथा, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग देख भी चुके हैं पिछले अध्याय में कि संविधान हो या चुनाव हो, ऐसा नहीं है कि जिस देश में चुनाव जनता चुन रही है तो वो लोकतांत्रिक देश हो गया या वहाँ लोकतंत्र हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां जाकर पढ़ लें पिछले अध्याय को, आप बेहतर समझ में आ जाएगा एक लोकतंत्र की आखिर क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। देखिए आप, ऐसा नहीं कि जहां संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन होगा, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ठीक, ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। बात करते हैं भारतीय संविधान का गठन, पहुंचते हैं हम लोग भारतीय संविधान का गठन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी दहलाने वाला अनुभव था। कई विद्वान ने उन्हें कहा, अंग्रेजों ने विश्वभर ने यही कहा कि भारत लंबे समय तक एक होकर नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा भारत। पहले तो चुनौती दी गई कि भारत अपने लिए संविधान नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत तुच्छ समझते थे। तो हम लोगों ने उनकी हर समस्या को स्वीकारा, उससे निपटा अच्छे से। ठीक है, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आजादी दी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। ये हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। इनका जीवन रहा है 1875 से 1950। जन्म गुजरात में हुआ। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतें के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में ये उप प्रधानमंत्री भी बने आपके। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, देसी रियासतों को विलय करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, ये आपकी सरोजनी नायडू। इनका जीवन रहा है 1889 से, सॉरी 1879 से 49 तक, 1949 तक। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था इनका। कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ये पहली राज्यपाल है, याद रखिए, किसी भी राज्य की। संविधान निर्माण का रास्ता, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने, नए सिरे से
गढ़ने का आंदोलन भी था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद तब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत से बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधान सभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। ये आपके अबुल कलाम आजाद, इनका जीवन रहा है 1888 से 1958 तक। जन्म हुआ था सऊदी अरब में। ये शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीतिक विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्री में शिक्षा मंत्री बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले आपके शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। इसी तरह के आप पॉइंट याद रखा करिए, ठीक है। आजादी के बाद भारत के स्वरूप का लेखन, बरसों पहले से चल रहे चिंतन बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद ली। ये आपके टीटी कृष्ण मेनन है, 1899 से 1974 तक इनका जीवन रहा। जन्म तमिलनाडु में हुआ। पैरो कंपनी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। जैसा कि आपको पता होगा, कहते क्या, हमने कई जगह से संविधान जब अपना गठन किया बनाया तो कई जगह से प्रावधान लिए, अमेरिका हो, फिर चाहे रूस हो, फिर चाहे ब्रिटेन हो, अफ्रीका हो, इस तरह ऑस्ट्रेलिया हो, इस तरह से कहते हैं उधार उधार संविधान कई देशों से हमने उधार लिया। लेकिन हमने क्या किया कि जस का तस नहीं रख दिया संविधान को। जैसे हमने आपका अधिकार लिए और ये जस के तस भारत में शामिल नहीं किए कि अमेरिका से लेकर जस के तस रख दिए हो। अब जो हमने अपना नीति निर्देशक तत्व, फिर चाहे आपके मूल कर्तव्य, इन्हें जस का तस नहीं रख दिया।
इन्हें अपने हमने जरूरत के हिसाब से बदला, वो जो हमें जरूरत रही उन्हीं को हमने लिया, बाकी किसी भी देश से जस का तस लेकर भारत में शामिल नहीं किया भारत के संविधान में। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। फिर भारत के संविधान के निर्माण निर्माता कौन थे, या आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षिप्त में कुछ कुछ जानकारियां मिलेंगी। देखिए राजेंद्र प्रसाद साहब 1884 से 1963 तक, ये रहे, ये बिहार के थे, इनका जन्म बिहार में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। याद रखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, लेकिन स्थायी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती उसे संविधान सभा कहती। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों यानी कि भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। याद रखिए कुछ प्रावधान तो आपकी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जयपाल, जयपाल 1903 से 1970 तक इनका जीवन काल रहा। जन्म इनका झारखंड में हुआ। एक खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही इस एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक समितियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा है या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। आज भी आप देखते होंगे कि संविधान के विरोध में कोई नहीं जाता है, क्योंकि सबको भरोसा है संविधान पर। यह आपके एच सी मुखर्जी 1887 से 1956 रहा इनका जीवन काल। इतने दिन ये जिंदगी रही इनकी। जन्म इनका बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे, कांग्रेसी नेता भी थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा सदस्य थे। बाद में ये बंगाल के राज्यपाल बने। जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981, जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस के सक्रिय नेता थी, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष रही। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम
वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक देशों का क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इन सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पैसों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तो तब भी इसका स्वरूप काफी काफी कुछ इसी तरह होता। अब आपने देखा होगा गांधी जी और अंबेडकर साहब के भी विचार कई जगह नहीं मिले। नेहरू जी से कई जगह मतभेद रहे लेकिन उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। विरोध होने के बाद भी उन्हें पद दिया गया। यही तो हमारे संविधान की खासियत है, क्योंकि नेहरू जी और गांधी जी जानते थे कि एक कानून की अच्छे समझ रखते हैं, इसलिए उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया हुआ, संविधान को एक तरह की पवित्रता वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला, सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार हुए। 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं वर्ष बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है। अब चलते हैं हम लोग भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों पर। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य देखते हैं। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यह जानने की कोशिश करें कि हमारा संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं, अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं कि परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माता की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी कि महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, किसकी पत्रिका है, गांधी जी की, ठीक है, मैं उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा में लिखा था। क्या लिखा था? मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मिलजुल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होगा। बलदेव सिंह। 1901
से 1961, जन्म हरियाणा। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में या के रक्षा मंत्री भी रहे, बलदेव सिंह। ठीक। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, 1887 से 1971 तक इनका जीवन काल रहा। जन्म गुजरात में हुआ था। वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता, बाद में गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 से 1953, जन्म पश्चिम बंगाल में, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील रहे, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान में दिए गए अपने अंतरिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानता से भरा होगा। राजनीति में हम एक एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। भीमराव अम्बेडकर देख लीजिए, 1891 से 1956 तक इनका जीवन चला। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पैरो कमेटी के अध्यक्ष थे, सामाजिक क्रांति चिंतक, क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। भारत में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे, याद रखना। ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। 1889 से 1964 तक इनका समय रहा। जन्म उत्तर प्रदेश में, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता, समाजवादी लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के प्रधानमंत्री। सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 से 1984, जन्म पश्चिम बंगाल में, से लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य भी रहे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा के दिए में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। बरसों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्यरात्रि का घंटा बजाएंगे, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। यानी कि इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा विस्फोटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को और भारत और उनके उसके लोगों तथा उसके उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी पेशों पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए
दुखों से हमारा दिल भारी है, इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने पद का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अब अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना है। इसका अर्थ है कि दरिद्रता, अज्ञान, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत, हमारे युग के महानतम आज़ादी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह हमारे काम हमारे भर से पूरा नहीं ना हो पाए। जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण, ठीक है? पता है एक बात अब लोग हमेशा याद रखिए, आज की राजनीति में और तब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? अब कौन क्या है अब आप समझ रहे हो, ठीक है? अब वो राजनीति नहीं रह गई है गांधी नेहरू वाली। बात करते हैं हम लोग अब आगे चल के संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों से स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बने। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत का प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सारे सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। अगर प्रस्तावना के आसपास ही आपका पूरा संविधान घूमता है, यहाँ देख लेते हैं कुछ पॉइंट दिए गए। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं और अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बने, एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले और हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये आपकी पूरी उद्देश्य का देखिए पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं हम लोग।
आपको बड़े एक एक अध्याय पढ़ना है, ठीक है? भारत का संविधान, उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गदर्श मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह आपकी प्रस्तावना, ये आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है? तो इसे याद कर लेना। अब इसके हम लोग अलग अलग शब्दों की बारे में जानते हैं। हम भारत के लोग, भारत को, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। अब आप लोग जानते हैं कि अभी भी आपका संविधान में संशोधन होता है तो कौन करता है, उसमें आपकी राज्यसभा भी शामिल रहती है, लोकसभा भी शामिल रहती है। और राज्यसभा और लोकसभा को प्रत्यक्ष कह लीजिए या अप्रत्यक्ष, भेजा आप लोगों ने ये। अब ये गलती हो सकती है कि आपने गलत लोगों को भेजा हो, लेकिन भेजते आप लोग ही, मतलब जनता यानी कि नीचे का तबका, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ का विधायक है या आपके यहाँ का कोई भी नेता है जो जिसे आप चुनते हैं, बिना चुने वो पहुंच गया हो असेंबली में, ऐसा तो है नहीं। आप अपने प्रिय विधायक को चुनते हैं यानी कि एमएलए को, एमपी को चुनते हैं, और एमपी आपके लोकसभा में जाते हैं, ठीक है? और जो आपके विधायक होते हैं ये आपके राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, ठीक? तो जुड़े सब आपसे ही हैं। अब आपके बारे में क्या फैसला लेते हैं उन पर निर्भर करता है। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। फिर समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार और जमीन उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। लेकिन पता है हकीकत यही है कि काफी हद तक अभी भी असमानता मिटी नहीं है हमारे समाज में, पता नहीं कब तक चलेगी। अभी भी आप देखते हैं कि कुछ भी हो सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है, गरीब तबके पर, किसान मजदूरों पर। क्या उनका गरीब होना गुनाह है करके, जिससे उन्हें ही पर सब कुछ थोप दिया जाता है। आगे चलते हैं पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण को सम्मान देती है, ठीक है? एक बात और हमेशा याद रखी है कि मैं अभी पढ़ रहा था कल परसों न्यूज़पेपर कि कहीं भूख से जब पूरा परिवार, 5-6 परिवार, उसमें 4 बच्चे थे और उसके माँ बाप, उनके माँ बाप जो भी हो, तो उन माँ बाप ने सुसाइड कर लिया, मर गए, 4 बच्चों को छोड़कर चले गए। पता है वहां का जो एमएलए है वो तब पहुंचा जब वो मर चुके, जब मीडिया में खबर उठने लगी। वो मीडिया वाले भी अपना धर्म नहीं निभा रहे, एमएलए एमपी तो निभा ही नहीं रहे, लेकिन वो भी अपना धर्म नहीं निभा रहे। भाई अगर मौत से पहले पहुंच जाते तो उन्हें बचाया जा सकता था कि नहीं बचाया जा सकता था? लेकिन ये तो पुलिस से बदतर स्थिति में पहुंच गए। कहते नहीं कि पुलिस कुछ टाइम बाद ही पहुंचती है जब क्राइम वहां हो जाता है, तो इनका भी वही हाल है नेताओं का। लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं
उसे जवाबदेह बनाते हैं या सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। गणराज्य, गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज्य का खानदान। यानी कि आप जिसे भी शासन का प्रमुख बनाएंगे वो आपके द्वारा चुनित होगा। जैसे प्रधानमंत्री बनेगा तो आपने एमपी चुने हैं, आपने एमपी को चुना है, अब सभी आपके एमपी फैसला लेंगे ना कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है? ले तो आपके ही द्वारा आपका पूरा हाथ रहता है इसमें, बनाने में बिगाड़ने में। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और संघ, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात आप समझ रहे हैं, कब की बात है? 49 से कब? 26 नवंबर 1949। आज हम कहाँ खड़े? 20, 2020 में, 21वीं सदी में आ गए। लेकिन ये पूरी तरह से आपका खात्मा नहीं हुआ है, संविधान में लिख दिया गया है। आज से कितने, 1949 के करीब, तब से आज तक यही चल रहा है। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। आपको बोलने की, संगठन बनाने की, इस तरह के घूमने फिरने की सब स्वतंत्रता है, ठीक है? इस पर कोई अब पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत आपको सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, तो ये आपकी बंधुता हो गया। मुझे लगता है, पता है, अगर इंसान के दिमाग में एक बात आ घुस जाए अच्छे से कि उसका जीवन इस धरती पर स्थायी नहीं है, तो वो आधे जो कुकर्म है यानी कि भ्रष्टाचार है वो नहीं करेगा। लेकिन आदमी एक बात ठान के बैठ जाता है कि मैं धरती पर अमर हूं, वो अपने हकीकत से कभी परिचित ही नहीं होता है। हो सकता है आज हम बात कर रहे हैं आपसे, 2-4-10 मिनट बाद मैं ना रहूं इस धरती पर, तो मुझे किन रास्तों को चुनना चाहिए? उन रास्तों को चुनना चाहिए जो हमें शांति दें और हमें अपने आप से शिकायत ना रहे। अगर कल हम मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो हम अपने आप में संतुष्ट तो हैं, किसी के साथ ना तो मैंने बुरा किया, ना किसी को रुलाया, ना किसी को दुख दिया। यही तो जिंदगी है। चलते हैं हम लोग अब संस्थाओं का स्वरूप देखते हैं। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी, ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने इन संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देगा। सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष तीन अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं तीन पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संविधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे। वह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में एक किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख
संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेंगे। इसके कुछ पहलुओं पर आपकी अगले वर्ष की किताब में भी चर्चा करेंगे, यानी कि अगले वर्ष में। यह आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव व खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। धारा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा यानी कि अनुच्छेद। संविधान, देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून। संविधान संशोधन, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से करता है। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध आपका देशद्रोह है। ठीक है, इन्हें देख लेना कुछ। इसी अध्याय से संबंधित आपके प्रश्न है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ जो आपकी है एक टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से अपने पास रख लें। और कक्षा 9वीं से आपकी बुक्स हकीकत में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी, इसलिए अब इन्हें अच्छे से पढ़िए। कक्षा 6वीं से लेकर 7-8वीं तक तो एक आपका नीचे से बेस बनाने में सहूलियत दे रही थी, लेकिन अब यही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय होगा आपका, क्या होगा तीसरा अध्याय? चुनावी राजनीति के बारे में हम लोग जानेंगे तीसरे अध्याय में।